सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, नास्तो विद्धते भावो न भावो विद्धते शतः उभयोरपि दृष्टो अन्त्वानयो तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात, जिसकी सत्ता नहीं है उसका कभी भाव नहीं होता है, और जिसका भाव होता है वह सत वस्तु होती है। यानी सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, तो असत का कभी भाव नहीं होता, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता, और इन दोनों को यानी असत को और सत को, भाव को और अभाव को, जो देखते हैं यानी अनुभूत करते हैं, उन्हें तत्वदर्शी कहा जाता है। उन्हें यथार्थ बोध होता है तत्व का। गीता में कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उनमें से एक यह भी है। काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है यह। पहली बात है कि कुछ लोग यह पूछते हैं कि नास्तिक लोग हैं कि भगवान को मनुष्य ने बनाया है, तो उसका यहाँ निवारण भगवान कर रहे हैं कि मनुष्य जो है वो भगवान को नहीं बनाया, मनुष्य की उपज नहीं है भगवान, बल्कि जो सत है, जो सत्ता है, यानी जो परमात्मा है, जो ईश्वर हैं, उसको मनुष्य देख सकता है यानी अनुभूत कर सकता है। तो तत्वदर्शी होते हैं जो उसको अनुभूत कर लेते हैं। यानी ईश्वर जो है वह मनुष्य का आविष्कार नहीं, बल्कि मनुष्य की खोज है। यहाँ पर कहा गया है कि ना असतो विद्धते भावो, असत का यानी जो है ही नहीं, वह जो भासता है कि है, असत उसी को कहते हैं कि जो भासता है कि है, आने जिसकी सत्ता पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं होगी। वास्तविक सत उसके भीतर जो है वह अलग ही होता है, और उस सत के बल पर वह भासता रहता है। यानी हम धूरी नहीं देख पाते हैं, केंद्र को, परिधि को, उसी के बल पर जो परिधि बन रही है उसको हम देखते रहते हैं। वह आभासी जगत होता है, वह होते हुए भी नहीं होता है एक तरह से। तो तत्व से तो वह होता है, क्योंकि बिल्कुल शून्य से तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल शून्य का तो आभास भी नहीं होता।
तो ये परिवर्तनशील जगत जो है ये असत है। वर्तमान में भी यह सिर्फ हम इसे एक बार देखते हैं, मूलतः हम एक बार भी नहीं देखते हैं। हम इस यहाँ के जितने भी दृश्य हैं, जो श्रवण है, उसको हम एक ही बार देख सकते हैं, एक ही बार सुन सकते हैं, एक ही बार महसूस कर सकते हैं। लेकिन और अगर गहराई में जाएं और रहस्य में जाएं, तो एक बार भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे जो कर्ण हैं, यानी जो इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम अनुभूत करते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, स्वाद, जीवा, इन सब से जो हम महसूस करते हैं, उसके जो संस्कार बनते हैं मन दिमाग में, वही हम सोचते हैं कि हम अनुभूत किए। और ये सब जो है ये स्वयं परिवर्तनशील है, यानी ये स्वयं संसार के हिस्सा है। तो संसार ने ही संसार को देखा, हमने कहाँ देखा। तो यह अस्तित्व जो है क्रियात्मक है, पदार्थ जगत, यहाँ क्रियाएं हो रही हैं, तो संसार ही संसार को यहाँ देखता है, महसूस करता है। और जो चेतन जगत है वह तो इससे परे हो जाता है, वह केंद्र में तो है लेकिन दृश्य में नहीं आता है। तो यह इस संसार का, इस वजह से इस संसार का यहाँ भाव नहीं बन रहा है। तो असत असत का जो है भाव नहीं बनता। और जो सत है, यानी जो मूल तत्व है, जो वास्तविक तत्व है, जिसकी सत्ता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। जिसका किसी भी क्षण अभाव हो जाए वो वास्तविक सत्ता नहीं होती है। तो जो परिवर्तनशील हो रहा है असत, आखिर परिवर्तन भी तो हो रहा है, इसका मतलब तो कुछ है जो परिवर्तित हो रहा है, यानी है के अर्थ में तो उसकी सत्ता है। तो वह परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है, तो यह जो परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है वह सत्ता, उसका तो एक भाव है, वो सत्ता रूप में मौजूद है। और जो सत है, जो वास्तव में सत है, उसका तो कभी अभाव ही नहीं होता। सत यानी जो है, तो जो है उसका कभी अभाव होता ही नहीं, वह सत ही जब प्रकट होता है तो असत या सत्य, इन दो अर्थों में प्रकट होता है। तो परमात्मा और जीव सत कहे जाते हैं, और इस को, इन दोनों को यहाँ पर, जो यहाँ सत्ता के अर्थ में असत को भी कहा गया है और भाव को भी कहा गया है। भाव जो है भू धातु से है, तो वह भी जो है होने के अर्थ में तो सत्तात्मक है, और विद्यते जो है वह विद धातु से है, तो वह भी सत्तात्मक है। और असत जो है वह अस जो धातु है, अस भूवि से, तो वह जो असत और सत है वह भी जो है होनापन के अर्थ में तो सत्तात्मक है, और विद जो है विद्यमानता के अर्थ में, वर्तमानता के अर्थ में सत्तात्मक है। तो जो तत्वदर्शी पुरुष होते हैं, यानी यथार्थ जो देख लेते हैं, भाव को भी देख लिया, अभाव को भी देख लिया, सत को भी देख लिया, सत को भी देख लिया, इन दोनों को महसूस कर लिए। देख लिए का मतलब आँख से देखना नहीं है, बल्कि महसूस करना है, और इंद्रियों से हट करके महसूस करना है। यह विवेक बुद्धि जो है, वह विवेक बुद्धि ही अंत में प्रज्ञा हो जाती है, और फिर वह जो है तत्व के रूप में महसूस होती है सत्ता।
तो इस तरह से जब दृष्टा दृश्य और दृश्यमान ये तीनों एक भूत हो जाते हैं, एक मेय हो जाते हैं, तो ही वह तत्वबोध होता है जिसकी भगवान ने यहाँ चर्चा की है। इसी सत्य को गीता में अन्य जगह परा प्रकृति या क्षेत्रज्ञ या पुरुष कहा है, अक्षर कहा है, और असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और क्षर इस तरह से कहा है। तो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है यह असत रूप में है, ये पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। अभी भी इसको हमें लगता है कि है, लेकिन हम ये वर्तमान स्थिति में भी इसको इसलिए हमें लगता है कि है क्योंकि काल काफ़ी घनीभूत हो गया है, इतना सूक्ष्म काल है कि हम उसको अंतर नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा ये लगातार परिवर्तित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और विनष्ट हो रहा है, और इसकी उत्पन्न और विनष्ट होने की जो है रूपांतरण की गति इतनी तेज है कि हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं ये उतने सूक्ष्म तत्व को नहीं देख सकती, इसके देखने की एक सीमित क्षमता है। हमारी जो इंद्रियां हैं इसे इसकी सुनने की, इसके स्पर्श की या स्वाद की या सूंघने की एक क्षमता है, उस क्षमता के आर पार हम न देख पाते हैं न सुन पाते हैं न, परंतु इसी को यहाँ पर प्रमाण माना जाता है संसार में कि जो इंद्रियों से महसूस हो गया वो प्रमाण है, परंतु यह वास्तविक प्रमाण नहीं है क्योंकि यह लगातार बदलता है, तो फिर प्रमाण क्या। तो इन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो यथार्थ में प्रमाण नहीं होता, परंतु अभी जो हमारा विज्ञान है वो इसी को प्रमाण मान करके बैठा हुआ है, जो हमारे इंद्रियों की सत्ता है इतना ही भर प्रमाण है, लेकिन हमारी इंद्रियों की सत्ता इतनी सीमित है कि तो प्रमाणित वस्तु बहुत कम हो जाती है जो इनके हिसाब से प्रमाण है। और वास्तव में प्रमाण तो वह होना चाहिए जो कि हर परिस्थिति में उसकी वह सत्ता, उसकी वह स्थिति विद्यमान हो, न कि जो अभी है अभी नहीं है। तो इसीलिए जितने भी यंत्र बनाए गए हैं ये सारे यंत्र किसी न किसी अर्थ में सीमित हो जाते हैं, और सही चीज़ को, सही स्थिति को हमें नहीं दर्शा पाते हैं, यह इनकी दिक्कत होती है या इनकी समस्या होती है। यहाँ प्रमाण का अर्थ जो है वो एक के जरिए दूसरे को सिद्ध करना होता है, तो यह जो सिद्ध करते हैं एक के जरिए दूसरे को, तो फिर यहाँ पर एक दूसरे को सीमित ही करते हैं, तो सीमित सत्ता के द्वारा सापेक्षिक अर्थ में हम सिद्ध करते हैं कुछ भी, लेकिन ये सारे सापेक्ष मिल करके जो निरपेक्ष तत्व से जो ये प्रकट है वह कैसे सिद्ध होगा। जो भी सत्ता है, इस सत्ता को जिसको हम सिद्ध करते हैं, यह सत्ता यदि इसको हम विभाजित करते चले जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वो अविभाज्य तत्व हो जाता है। विभाजित करते करते एक ऐसी स्थिति आती है इसका कि आगे विभाजन संभव ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वह जो तत्व होता है वह बिंदु से भी सूक्ष्म हो जाता है, और किसी चीज़ को हम तभी तक विभाजित कर सकते हैं जब तक वह बिंदु है, उसके पहले तक नहीं। जिसकी लंबाई चौड़ाई होगी उसी को तो हम विभाजित कर सकते हैं, उसके बाद वह दूसरे आयाम में प्रवेश कर जाता है। तो हम लोग का यह जो अस्तित्व है जहाँ हम लोग जीते हैं, ये इसको तो वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि ये अलग आयाम है, और इससे भी अलग आयाम और हैं दुनिया में, इस अस्तित्व में और भी आयाम हैं,
तो यह आयाम जहाँ पर समय और द्रव्यमान हैं और स्थान है, तो इससे भिन्न भी एक आयाम है जहाँ पर समय कार्य नहीं करता है, क्योंकि समय वहीं कार्य कर सकता है जहाँ पर सापेक्षता की बात होती है। और तत्व जब बहुत सूक्ष्म हो जाए तो फिर सापेक्षता वहाँ पर काम नहीं करती। तत्व जब बहुत सूक्ष्म हो जाए, इतने सूक्ष्म हो जाए कि उनका लोकेशन ही तय नहीं हो पाए, उनकी स्थिति ही तय नहीं हो पाए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ स्थान भी तय नहीं हो पाता है। तो तत्व सूक्ष्म हो जाने पर स्थान भी तय नहीं हो पाता है और वैसी स्थिति में समय भी तय नहीं हो पाता है, तो वो समय सीमा को लांघ जाता है, स्थान की सीमा को लांघ जाता है और तत्व जो है उस सीमा को लांघ जाता है जहाँ उसको हम लोग मेजरमेंट के तहत लाते हैं। और जहाँ मेजरमेंट के तहत जब हम उसको नहीं ला पाते हैं तो फिर वो जो है इनमेजरेबल हो गया, तो वो जांच से परे हो जाता है। तो वैसी स्थिति में उसको मैथमेटिक्स के तहत हम नहीं ला पाते हैं, तो फार्मूलेशन उसका नहीं हो पाता, तो जो वास्तविक तत्व है उसका फार्मूलेशन संभव नहीं है। वास्तविक तत्व को हम फार्मूला में नहीं बांध सकते, क्योंकि वह समय सीमा में, स्थान की सीमा में और अपनी स्थिति की सीमा में और वास्तव में अपना उसका जो नेचर है उस नेचर को प्रकट करने के अर्थ में और उसके लोकेशन के अर्थ में भी जब हम उसको नहीं देख पाते तो फिर हम नापेंगे कैसे, उसका फार्मूलेशन कैसे करेंगे, तो इसलिए वो फार्मूलेशन में नहीं आता। और जितने चीज़ जो फार्मूलेशन में आते हैं जिसको विज्ञान प्रमाण मानता है, वास्तव में वे सभी चीज़ें अप्रमाणिक ही हैं, वे सभी चीज़ें आभासी जगत ही हैं, सापेक्षिक जगत ही हैं। और सापेक्षिक जगत में जो है कोई भी चीज़ को हम पूर्ण रूप से संतुष्ट भाव से हम नहीं बता सकते कि यह ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक तात्कालिक परिस्थिति में ही हम कहते हैं कि यह ऐसा है। परिस्थितियाँ बदलती हैं और वह उसका रूप बदलता हुआ सामने आता है, तो हम सिर्फ बदलते हुए रूप को देखते हैं, वास्तव में वह जो है उसको हम नहीं देख पाते। तो इस बदलाव को जो देखने के कारण ही इसको भगवान ने यहाँ पर असत माना है, और उस बदलाव के भीतर में जो अबदलाव की स्थिति है, जो उस अभाव के भीतर में जो भाव की स्थिति है, उसी को भगवान ने यहाँ पर विद्यमान माना है और उसी को तत्व माना है, और उस तत्व को ही जो देखता है, जो महसूस करता है, उसे तत्वदर्शी कहा है। वह वास्तव में विज्ञानी है, वह वास्तव में ज्ञानी है। तो इस अस्तित्व के उस वास्तविक तत्व को जो कि तमाम परिवर्तनों के दरमियान भी अपरिवर्तित रहता है, वह जो मूल तत्व है उस तत्व को ही अध्यात्म महत्व दिया गया है, और उस तत्व को जो महसूस करते हैं उन्हें ही तत्वदर्शी कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग के इस शरीर को हम लोग के सात शरीर माने जाते हैं, तो उसमें से यह जो भौतिक शरीर है जो परिवर्तनशील है और हम इसे देखते हैं, इसी को अपना सोचते हैं यही एकमात्र शरीर है, तो ऐसा नहीं है। सूक्ष्म शरीर भी हम लोग का है, मनस शरीर भी हम लोग का है, आत्म शरीर भी हम लोग का है, प्राण शरीर भी हम लोग का है। तो अशरीरी शरीर जो है वह सबसे उच्च अवस्था होती है, निर्वाण शरीर भी उसको कहते हैं। तो वह जो निर्वाण शरीर है उस शरीर को ही यहाँ पर तत्व कहा गया है, और उसको देखने वाले को तो दृष्टा कहा जाता है।